इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट की, लेकिन पूरी दुनिया में, यहाँ हम कनाडा में, अमेरिका में बैठ के देखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के इस अलायंस को बहुत नेगेटिवली मीडिया में पोर्ट्रेट किया जाता है। आरएसएस हत्या के भारत में भी इस मामले को इम्पोर्टेंट नहीं समझती कि उस नैरेटिव को किसी तरीके से निगेट किया जाए, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी पावर है, वो समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी जरूरत आरएसएस को नहीं है? देखिए, आरएसएस के बारे में कुछ चीजें वाजे हैं कि आरएसएस को, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने झूठ को छुपाने के लिए आप एक दुश्मन को पाल के रखते हैं, और अगर आप दुश्मन को खड़ा नहीं करेंगे, उसे दुश्मन नहीं बनाएंगे, तो आपकी बात को सच नहीं मानेगा। सेकुलरिज्म इसीलिए जिंदा है और सेकुलरिज्म की दुकानें इसीलिए चल रही हैं कि इस देश में बाकी सारे लोग जो हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, हेट्रेड पे चलते हैं। आरएसएस मुसलमानों को खत्म कर देगी, आरएसएस का डर दिखा करके कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। तो आरएसएस तो जिस पर्पस से बनी थी, उस पर्पस में सियासत नहीं था। आरएसएस की जो कैडर है, उसमें से लोग निकल के जाते हैं और वो वहां सत्ता में रहते हैं, और आरएसएस की तो कोई मेंबरशिप भी नहीं। आरएसएस में बहुत सारे लोग होंगे जो आरएसएस से निकले और जो कांग्रेस में चले गए होंगे। क्या सावरकर के मानने वाले वीएन गाडगिल नहीं थे? क्या वसंत साठे नहीं थे? क्या तिलक नहीं थे? ये तमाम सारे लोग भी वहां उस जमाने हार्डलाइनर कहलाते थे, जिनकी सिंपैथी आरएसएस के साथ थी। लेकिन आज आरएसएस जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट करने वाली चीज है, और इसलिए सॉफ्ट लगता है कि हम बार बार ये बताएं कि नाथूराम गोडसे को गांधी जी को मारा था नाथूराम गोडसे ने, वो आरएसएस का सदस्य था। अब सवाल यह है कि आप आरोप लगा दें और उसके बाद भाग जाएं। अब आरएसएस साबित करे कि भाई वो हमारा सदस्य नहीं था। तो इसी तरीके से आरएसएस जो सोशल फ्रेमवर्क में जो काम करता है, एक तो उनकी खास बात यह है कि वो कोई बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करते, कोई पीआर नहीं करते, बहुत ज्यादा उसमें रहते नहीं है, और उनके यहां कोई कोई तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा। किसी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है तो वो आरएसएस छोड़ के जाए और जो पार्टी ज्वाइन कर ले। कोई किसी ने, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि हमारे यहां से लोग जो जाएंगे उसे बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसको जहां जाना है चले जाएं, आपका दिल है। लेकिन आरएसएस को 70 सालों में खड़ा किया गया बार बार ये कह करके कि ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये तिरंगे को नहीं मानते, ये भगवा को मानते हैं, इनके ये मुसलमानों को द्वयम दर्जे का समझते हैं। कोई गुरु गोलवारकर जी का जिक्र करता है, कोई हेडगेवार जी का जिक्र करता है, लेकिन ना तो ज्यादातर लोगों ने गुरु गोलवारकर को पढ़ा है ना हेडगेवार को पढ़ा है। तो अब क्योंकि आपको आरएसएस को गाली देने से सत्ता मिलती है, आरएसएस को गाली देने से आप मॉडर्न कहलाते हैं, लिबरल कहलाते हैं, तो ये एक फैशन हो गया है कि जिस आदमी को मॉडर्न बनना है वो आरएसएस को 4 गाली दे और खड़े होकर के बताए और उसको डिमोनाइज करे। तो तमाम सारे लोग जो लिबरल हैं, जो आप देख रहे हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये सब तो वही लोग हैं जिनका शिक्षा पे पहले से कंट्रोल था। तो इस देश की शिक्षा पॉलिसी को चलाया किसने? उन्हीं लोगों को वजीफे मिलते थे, उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप मिलते थे, उन्हीं लोगों की यहां पे पीएचडी कराई जाती थी। तो हिंदुत्व को लेकर के, इतिहास को लेकर के, सनातन को लेकर के, या जो नेशनल जो व्यू था, नेशनलिस्टिक जो आपका अप्रोच थी, उसको लेकर के यहां तो उसको तरजीह नहीं दी जाती थी, उसको उसको फ्लोट ही नहीं किया जा सकता था। तो उसी तरीके के लोग थे कि आरएसएस के खिलाफ बोलो, हिंदुत्व के खिलाफ बोलो, हिंदुत्व को गाली दो और ये पाखंड बताओ, मंदिर पूजा पद्धति, ये तमाम सारी चीजों से एक हेट्रेड क्रिएट की गई, लिहाजा वो चल रहा है। तो आरएसएस को मैं आज भी कहता हूं कि जो काम आरएसएस ने किया, आप ये तो नहीं कह सकते कि आरएसएस ने, जब जिस वक्त इसकी 1925 में नींव रखी गई होगी तो उस दौर से लेके इसमें बदलाव नहीं आए होंगे। बहुत सारे बदलाव आए होंगे, पर 1925 में जरूरत कुछ और रही होगी, 1950 में जरूरत कुछ और रही होगी, 1970 में रही होगी, और आज तो बदलाव तो आए होंगे। लेकिन कोर क्या है उनका? उनका कोर यह है कि वो ये नहीं पूछते जब खाना बांटने जाते हैं कि ये राशिद भाई को दे रहे हैं या रामलाल को दे रहे हैं, श्यामलाल को दे रहे हैं। वो तो आप, उनके लोग मरते हैं केरला में 34-35 जो आरएसएस के कार्यकर्ता मरे, तो कितने आपने आरएसएस के लोगों को देखा कि वो बंदूक लोके उन लोगों को मारने गए?
तो उनके तो लोग मरते हैं, उसको भी वो बस ये मान के चलते हैं कि ये बस हत्या हुई है, उसका उन्होंने जिक्र करेंगे, पॉलिटिकली कहीं उठा देंगे दो एक जगह, उसके अलावा कोई बदला तो ले नहीं रहे। तो आरएसएस को बदनाम करना, आरएसएस को गाली देना, आरएसएस के बारे में कुछ भी बोल देना, क्योंकि एक तो आरएसएस के साथ ये है कि बहुत सारी चीजें उनकी मार्केट में आती नहीं है कि वो क्या कहते हैं, इसलिए उनका एक उनका उनका विजन जो है वो विजयदशमी के दिन जो वो भाषण देते हैं पूरा, उसमें पूरा उनका रोड मैप होता है, उनके पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं और करीब मेरा ख्याल है कि 400-500 या 300-400, क्योंकि मुझे बहुत अंदरूनी उनके बारे में पता नहीं है, हमारे दोस्त लोगों की वजह से हमको पता है, कुछ 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 प्रचारकों के बीच में मुलाकात से मुझे पता है, वो जो है एनवायरमेंट में भी काम करते हैं, वो जंगल में भी काम करते हैं, वो आदिवासी में भी काम करते हैं, वो घर वापसी के लिए भी काम करते हैं, वो मुसलमानों को भी जाके अपने साथ जोड़ते हैं, मुसलमानों को भी भारत के बारे में बताते हैं, संघ के बारे में बता, तो कोई ऐसा मैं समझता हूं शोभा नहीं है जिसमें आरएसएस जो है लगातार कंटिन्यूअसली विदाउट एनी वायलेंस तो आप उनके लोगों को फ्रेम कर देते हैं, उनके लोगों को मार देते हैं, तो ये सिलसिला है, लेकिन आरएसएस का अपना एक बड़ा रोल है और आरएसएस लगातार इस कोशिश में लगी हुई है और बीच बीच में उनकी कोशिशें भी हैं, वो जिस तरीके से उन लोगों को बुलाते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, कोई वो भी होता है, लेकिन वही मैंने कहा कि जो लोग डिस्कशन में उधर से आते हैं उन लोगों को सोसाइटी आउटकॉर्नर कर देती है, तो एक 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 सामंजस्य जिसे कहते हैं, एक 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 कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी आरएसएस जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, जब थर्ड फ्रंट की सरकार थी, तब भी वही काम कर रही थी, आज भी वही काम कर रही है। तो आज सत्ता में आने से आरएसएस को पावर का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई पावर में जाने वाले लोग नहीं है, ना पावर से उनका कोई ले, हाँ वहां से निकलने के बाद जो संघ में जाता है, पॉलिटिक्स में जाए, उसके बाद से उसका संघ से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेट करते हैं कि जो संघ चाहता था, जो संघ बताना चाहता था, उसमें पॉलिसी में बदलाव लाओ, स्वदेशी की बात करो, लोकल की बात करो, बाहर विदेशियों की कम बात करो, मल्टीनेशनल के खिलाफ, तो वो तमाम सारी चीजें हैं आज भी। लेकिन ये जो बात आपने कही है कि आरएसएस को भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो गुस्सा है, ये जो रोष है लोगों में, इसका नुकसान होगा, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में मोहन भागवत जी ने कई सारे बयान भी दिए हैं, अपनी बातें भी कही हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि जब आपको कई सालों बाद ये लगे ना कि आपके साथ धोखा हुआ है ताहिर भाई, तो आप वाले साहब की बात भी नहीं मानेंगे, आप शायद हो सकता है कि आप कहेंगे कितनी भी सब कुछ है, लेकिन आप वो जो एक लंबा गुस्सा होता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ये दगा और झूठ बोला गया, वो आज उस स्थिति में हिंदू खड़ा है। अगर मैं समझता हूं, मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसा ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आप रियलिस्टिक हूं, तो मैं मानता हूं कि हालात उधर बढ़ रहे हैं, भले ऐसा ना हो, लिहाजा आरएसएस की कोशिशें हैं, दूसरे लोगों की भी कोशिशें हैं, सरकार भी जिस तरीके से सरकार पर दबाव है हिंदुओं का, मैं समझता हूं ये पहली हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मीन्स नेशनलिस्ट लोगों की सरकार है, जो जिसपे सबसे ज्यादा उसका अपने ही लोगों पर दबाव है, वो अपने लोगों के दबाव में है, क्योंकि हम इतने लंबे वक्त के बाद उन्हें लगता है कि अब हम इस मौके को जाने नहीं देंगे और जो कुछ हुआ है उनका जो है, जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक हम आपको बैठने नहीं देंगे। लिहाजा 2024 का चुनाव जो है वो देश के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार अगर कंटिन्यू कर जाती है तब तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, इस देश के गद्दार, वो हिंदुओं की शक्ल में भी हो, वो लेफ्टिस्ट की शक्ल में हो, वो वामपंथ की शक्ल में हो, वो मुसलमान की शक्ल में हो, किसी पार्टी की शक्ल में हो, लोग उनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 2024 के बाद इस मुल्क की, जिसे कह सकते हैं कि रियल हिस्ट्री लिखी जानी है। अभी तो बदलाव और जिसे कह सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है, आप यहां ये हो गया, आज एक रोड का नाम बदल दिया, आज एक शहर का नाम बदल दिया, अभी तो सिर्फ इतना ही भर चल रहा है, लेकिन जब तक ये पूरे तौर से नहीं होगा, पूरी डस्ट सेटल नहीं करेगी, तब तक किसी एक बड़े बड़े नतीजे की उम्मीद करना बेईमानी है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सरकार, इसको कोई प्रो हिंदू कहता है, कोई एंटी मुस्लिम कहता है, लेकिन इसने अपने 6 साल की कारकर्दगी में कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है कि इसने हिंदुओं को मजबूत कर दिया और मुसलमानों को कमजोर कर दिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो। लिहाजा मुसलमानों में अगर रीजन प्रिवेल हो जाता है, कोई सेनर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, वो एक दो नहीं, कुछ डाड़ियां नहीं, कुछ मेरा कहने, वो लोग जो सोसाइटी में जिनका जोर हो, लिहाजा जो मॉडर्न लोग हैं उनका सोसाइटी में जोर नहीं है, ज्यादातर सोसाइटी में मुसलमानों में वो मुल्ला और मौलवी के उससे ही चलते हैं। लिहाजा वो अभी आप देख रहे हो
ये तबलीगी जमात ने जो खेल किया है उसमें भी मौलवी साहब का वही है, लेकिन दुख यह है कि टेलीविजन पे जो सो कॉल्ड मुसलमान आते हैं पैंट शर्ट पहने हुए, वो भी उन्हीं को डिफेंड करते हैं, वो भी उनके खिलाफ नहीं जाते। तो या तो एक डर है सोसाइटी से अलग थलग होने का, या एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है। लिहाजा बड़ी बड़ी बातें जो है, चाहे जावेद अख्तर करें, चाहे उनकी अहलिया करें, या और दूसरे लोग करें, तो लोग पूछने लगते हैं आमिर खान को डर जो है सेलेक्टिव लगता है, जावेद अख्तर को भी डर सेलेक्टिव लगता है। तो उनकी तरफ से जो आज बहुत जिनको मॉडर्न कहा जाता था किसी वक्त में, वो भी एक्सपोज हो गए, उन्होंने भी अपने चेहरे से वो नकाब उतारा, तो पता चला कि ये भी जो है छुपे हुए जो है खतरनाक लोग हैं। इनकी दाढ़ी नहीं थी, ये अंग्रेजी बोलते थे, इनकी हरकतें वही थी। तो अब वो जावेद अख्तर रहे हो, आमिर खान रहे हो, और फलाने रहे हो, इवन 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 सलमान खुर्शीद जैसे लोग रहे हो जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति रहे, उनके वालिद यहाँ के गवर्नर रहे, कई वजारतें उनके, लेकिन उन्होंने भी अपनी किताबों में जो बातें लिखी उससे पता चल गया कि आप भले ही ऑक्सफोर्ड में पढ़ लें लेकिन आपका जहन वहीं पर अटका हुआ है। तो अभी ये सेग्रीगेशन नहीं हुआ, हिंदुओं में तो इस बात का सेग्रीगेशन शुरू से था, और कभी भी वो एलिमेंट जो है मेजर सोसाइटी पे हावी नहीं हो पाया, जिसे आप फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, जिसे आप बहुत रेडिकल एलिमेंट कहते हैं, वो रहे हैं हमेशा, कभी नहीं हो पाए, जबकि मेजोरिटी थी। लेकिन आपने 99% मेजोरिटी आपकी एक ही तरीके से सोचती है, एक ही अंदाज में सोचती है, तो कुछ दूर तक तो आप अपना अपने आप को लिबरल दिखाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपका उनका मुखौटा उतर जाता है। तो आरएसएस की कोशिशें हों या तमाम और दूसरे लोगों की हों, ये कोशिशें जारी रहेंगी, और आरएसएस लगातार इस बात में यकीन रखता है कि वो कोशिश अपनी करते रहते हैं, और वो कभी एग्रेसिव नहीं होते। वो ये भी नहीं मानते, क्या कहते हैं कि जो आज कोशिश है वो उनके जमाने आ जाएगी, वो एक सिलसिला है, पिछले 50-60 साल से चल रहा है और आज भी चल रहा है। लिहाजा वो घर वापसी की बात जब करते हैं तो घर वापसी में जाकर के किसी को रिश्वत नहीं देते, वो यही बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वज थे। और अब तो ओपन कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों तुम ये मानो कि तुम्हारे बाप दादा पुरखे गजनी था, गौरी था, औरंगजेब था, या बाबर था, या यही के लोग थे। अब आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिए, उनके फैमिली ट्री निकाल लीजिए, तो आखिर में जाके पता चलेगा कि फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा वो जो थे राघोराम थे, कौल थे, वो तो कौल ब्राह्मण है। तो भाई आज आप इंडोनेशिया की तरह क्यों नहीं मानते कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आपका कल्चर ये था, आपने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है। तो कोई भी हिंदू या नहीं कह रहा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ के आप ये कहें कि सिर्फ मैं और मेरा, इसके अलावा कोई नहीं, तो फिर कंफ्रंटेशन बढ़ेगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ताहिर भाई आप देखें पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर के मुसलमानों ने जिस तरीके से जलील हो रहे हैं, मैं समझता हूं। यहाँ पर वीडियो होता है खत्म, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो देखने के बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आपने ताहिर गोरा जो पाकिस्तानी मूल के पत्रकार हैं लेकिन अपने आप को दिल से हिंदुस्तानी और हिंदू हेरिटेज का मानते हैं, उनका इंटरव्यू हुआ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को किसी भी मतलब इंट्रोडक्शन की इनको ज़रूरत नहीं है, आप इनसे बहुत अच्छे से अगर YouTube आप में आप देखते हैं तो इनके वीडियो आपने देखे होंगे। एक गजब के फिलोसोफर हैं और बहुत तरीके से इन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया में मजहब, इंडिया में हिंदू, इंडिया में हर चीज़ के बारे में इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बताया है। यहाँ तक कि इन्होंने पाकिस्तान में भी कई दिनों तक रहे, वहाँ जाके वहाँ के लोगों की सोच समझी। आपने देखा होगा इन ये पत्रकार रहे तो जब बेनजीर भुट्टो चुनाव लड़ रही थी तो इन्हें मौका मिला था उनका चुनाव कवर करने का, तो कई महीने वहाँ बिताए थे और वहाँ का इलेक्शन कवर किया था और पाकिस्तानियों की सोच समझी थी। तो आपने देखा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कितने ज़बरदस्त तरीके से आरएसएस को डिफाइन किया और कितने तरीके से इन्होंने इंडियन कल्चर को बताया। और ताहिर गोरा साहब, आप जानते हैं ताहिर गोरा साहब इंडिया में कितने पॉपुलर हो चुके हैं, और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।